और चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाने वाले इसरो की सीनियर वैज्ञानिक सुप्रिया वर्मा रक्षाबंधन पर झांसी पहुंचे। इस दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांधा और रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने नेटवर्क 10 के साथ अपने अनुभव को साझा किया है। ये सुप्रिया वर्मा जी हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और झांसी पहुंची हैं अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधने रक्षाबंधन के पर्व पर। आज नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है इनके पास और इनसे खास बातचीत करेगी कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी थी चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग थी उसको लेकर कई देश, भारत ही नहीं कई और अन्य जो देश हैं वो अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे। लास्ट का मूवमेंट जो था वो कैसा रहा, किस तरह का मूवमेंट? बहुत ही क्रिटिकल एंड आई विल से कि बहुत ही थ्रिलिंग था। एंड ऐसा था कि उस मोमेंट में वो लास्ट के जो कुछ एक मिनट्स थे उस मोमेंट में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों ही साथ में थे, दोनों ही चीज़ें साथ में चल रही थी। वहाँ पर हम वेलोसिटी देख रहे थे और यहाँ पे प्रे भी कर रहे थे, तो बोथ वर वर्किंग टुगेदर। तो इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट और जब लैंड हुआ तो आई थिंक इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ All of us life. लगातार जिस तरह कहते हैं कि यहाँ से जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है उसको लेकर कई तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, और क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे, इसके बारे में और कुछ आगे बताना चाहेंगे लोगों को? बहुत अच्छा लगता है देख करके कि जो इसरो के साइंटिस्टों ने काम किया है एंड जो कंट्री ने सपोर्ट किया है और उसका रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है। कंट्री ने बहुत सपोर्ट किया है इसरो को। तो ये हमारे साथ थी इसरो की जो साइंटिस्ट हैं सीनियर साइंटिस्ट सुप्रिया वर्मा जी, जिन्होंने अपनी हर एक वो अपॉर्चुनिटी बताई किस तरह से यह लास्ट के जो मूवमेंट थे उसको लेकर बता रहे हैं कि जिस तरह ये प्रे भी कर रहे थे एक तरह, और एक जगह जो चंद्रयान की लैंडिंग है उसकी वॉचिंग भी कर रहे थे। विवेक राजौरिया, नेटवर्क 10, झांसी।